दोस्तों, यदि आपको ईशान किशन के सिर पर चोट लगने से दुख हुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मुंबई इंडियंस ने वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2018 के 14वें मैच में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 46 रन से हराकर इस सीजन की पहली जीत दर्ज की। मुंबई इंडियंस ने मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा की 94 रनों की शानदार कप्तानी पारी की बदौलत 213/5 का विशाल स्कोर बनाया था, जिसके जवाब में विराट कोहली के बेहतरीन 92 रनों के बावजूद आरसीबी 167/8 का स्कोर ही बना सकी। आरसीबी की यह 4 मैचों में तीसरी हार है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद खराब रही। उमेश यादव ने मैच की पहली दो गेंदों पर ही 2 विकेट ले लिए और सूर्यकुमार यादव एवं ईशान किशन खाता खोले बिना आउट हो गए। इसके बाद एविन लेविस ने कप्तान रोहित शर्मा के साथ तीसरे विकेट के लिए 108 रनों की बेहतरीन साझेदारी निभाकर टीम को संभाला। लेविस ने 42 गेंद में 65 रन बनाए, जिसमें 5 छक्के शामिल थे। मुंबई ने 11वें ओवर में अपने 100 रन पूरे किए। हालांकि लेविस के आउट होने के बाद कृणाल पांड्या 15 और किरण पोलार्ड 5 जल्दी आउट हो गए, लेकिन पिछले 3 मैचों से फ्लॉप रहे रोहित शर्मा के इरादे कुछ और थे और उन्होंने 50 गेंदों में 10 चौके और 5 छक्कों की मदद से 94 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर टीम को 200 के पार पहुंचा दिया। हार्दिक पांड्या ने अंत में 5 गेंदों में 17 रन की धुआंधार पारी खेली और मुंबई इंडियंस का स्कोर 213/5 रहा। आरसीबी की तरफ से उमेश यादव और ब्रेंडन मैकलम की जगह टीम में शामिल किए गए कोरी एंडरसन ने 2-2 और क्रिस वोक्स ने 1 विकेट लिया। जवाब में विराट कोहली और क्विंटन डी कॉक 19 ने पहले विकेट के लिए 40 रनों की तेज साझेदारी निभाई थी, लेकिन उसके बाद आरसीबी की पारी लड़खड़ा गई और 12वें ओवर में स्कोर 86/5 हो चुका था। मनदीप सिंह 16, एबी डिविलियर्स 1, कोरी एंडरसन 0 और वॉशिंगटन सुंदर 7 फ्लॉप रहे। कोहली हालांकि एक छोर पर टिके थे और 14वें ओवर में आरसीबी ने अपने 100 रन पूरे किए, लेकिन उसी ओवर में सरफराज खान भी सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। 15 ओवर के बाद स्कोर 108/6 था और यहां आरसीबी की हार निश्चित हो चुकी थी। विराट कोहली ने 62 गेंदों में 92 रनों की बढ़िया नाबाद पारी खेली, लेकिन आरसीबी की टीम 20 ओवर में सिर्फ 167 रन ही बना सकी और उन्हें एक तरफा हार का सामना करना पड़ा। मुंबई इंडियंस की तरफ से कृणाल पांड्या ने 3, जसप्रीत बुमराह और मिचेल मैकलेनिघन ने 2-2 और मयंक मार्कंडेय ने 1 विकेट लिया। विराट कोहली 4619 आज की पारी के दौरान आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए और उन्होंने सुरेश रैना 4556 रन का रिकॉर्ड तोड़ा।